मामला पटियाला दे निजी हस्पताल दा मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्राइम हॉस्पिटल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हस्पताल दी लापरवाही कारण 15 साल दी लड़की दी होई मौत। बेनती करांगे भी इस हॉस्पिटल दे कार्रवाई होनी चाहिए है ताकि अगे नू किसी दी जान दा कोई खिलवाड़ ना हो सके। पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, जे ना मिलिया असी जो साडे दिल च असी करांगे। पटियाला दे एक निजी हस्पताल विच उस वेले माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों लोकां वल्लों हस्पताल दे बाहर ही धरना लगा दिता गया। प्रदर्शनकारियां मुताबक हस्पताल दी लापरवाही कारण उन्हां दी 15 साल दी लड़की दी मौत हो गई। रिश्तेदारां ने दस्सिया कि असीं हस्पताल नूं एंबूलेंस भेजण लई फोन कीता सी, जिस तों बाद उन्हां ने एंबूलेंस भेजी पर लड़की नूं साह दी तकलीफ हो रही सी, पर एंबूलेंस विच ऑक्सीजन सिलेंडर सी पर उस विच गैस नहीं सी, जिस कारण रस्ते विच लड़की दी मौत हो गई। इस दे नाल ही परिवारक मेंबरां वल्लों रज के हस्पताल खिलाफ नारेबाजी की गई ते पुलिस कार्रवाई की मांग भी की गई। जिहड़ा प्राइम हॉस्पिटल दे उरे जो प्रशासन है, जो MD ने उरे या मैनेजर ने रिसेप्शन के उपर, उन्होंने लड़की के फादर इन्हों के फादर श्री राजेश कुमार जी उन्होंने फोन किया कि मेरी बेटी ढिडी है, सीरीयस है, सो तुसी अपनी गड्डी जी एंबूलेंस है वह भेज दो। सो प्राइम हॉस्पिटल वालों एंबूलेंस गांधीनगर लोहरीगढ़ पटियाला काला जी के राजेश कुमार काला जी के घर पहुँची। उत्थे जदों बेटी नूं लेके आए, बेटी का रस्ते दे विच सांह घुट रहा सी। राजेश जी वालों कहा जा रहा सी भी मेरी बेटी की तबीयत खराब हो रही है, भी ऑक्सीजन लाओ। वो कहते भी ऑक्सीजन लाती असी तो ये ऑक्सीजन है, जबकि ये सिलेंडर तुसी देख सकते हो बिल्कुल खाली है। पर तुहाडे आण ते इत्थों दा जिहड़ा प्रशासन है, जदों तुसी मीडिया वाले का पहला तो मैं धन्यवाद करांगा, साडियां बीबियां भैणां जिहड़ियां बजुर्ग इत्थे दुख दी घड़ी विच शामिल होए ने, उहनां दे इकट्ठ नूं देखदे होए, तुहाडी मीडिया दी ताकत नूं देखदे होए तां उह अज उरे तक हो गया भी साडी जिहड़ी गलती है, मतलब बेटी दी जिहड़ी जान गई है, जिहदी साडी मंग सी भी जिहड़ा इत्थे दा MD है उहदे उपर घट्टो घट 302 दा परचा रजिस्टर होना चाहीदा और इस हॉस्पिटल नूं सरकार वालों सील करना चाहिए। अपने सी कई बार देखने आया भी मीडिया नूं बुला लिया जाता तो जो हल हो जाता तो बाद च कहा जाता भी फैसला हो गया साडा, तो परचे फिर भी नहीं होंगे, तो की मांग करोगे? नहीं साडी तां देखो जी जिहड़ी भाईचारे की मंग है, साडी भाईचारे की मंग देखो, अज इन्हां राजेश जी के बच्चे नाल नहीं होया, कल नूं शहर के विच किसी भी कम्युनिटी तो किसी भी जाति तो किसी भी बच्चे नाल इस तरह हो सकता जिस तरह साडे नाल अज साडी बच्ची नाल होया। एंबूलेंस की गल कीते एंबूलेंस जे कहा जाता है सरकार की गल की भी सारी चीज़ा मुहैया होनी चाहिए ने, जिस तरह तुम दस्या ना तो ऑक्सीजन सी तो ना कोई प्रोवाइड सी कोई चीज़ा जिस तरह डॉक्टरी सहायता के नाल होंगे ने कि समझ असी एंबूलेंस जी चल रही है उस तक जो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी एंबूलेंस आ देखो तुहाडे सामने तुहानूं हूटर भी दिखाने, गड्डी स्टार्ट करके दिखाने, ना तो यदा हूटर ऑनलाइन है मतलब स्टार्ट है, तो गैस सिलेंडर तुम देख ही लिता जी वो तुहाडे सामने है, मतलब इस हॉस्पिटल की एड्डी लापरवाही है कि इन्हों के वास्ते जान किसी की भी जान जाए इन्हों कोई परवाह नहीं। जो इस बारे असी डॉक्टर नाल गल करनी चाहिए तां पहला ओ कुछ भी बोलन तो भजदे नजर आए, पर फिर बाद विच परिवारक मैंबरां नाल गल करन तो बाद डॉक्टर ने कहा कि परिवारक मैंबरां नूं गलती लगी सी, साडी कोई लापरवाही नहीं है। लड़की दे पिता भी बाद विच इह कह के चले गए कि रब नूं जो मंजूर सी ओही होया, कोई मामला नहीं था, बस एक कन्फ्यूजन होई थी और वो पूरी हो चुकी है। ये बच्चे के फादर है, ये भी आपको वही बता सकते हैं। क्या कन्फ्यूजन हुई थी, क्या बताएं, बताएं कोई कन्फ्यूजन, आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो नहीं नीचे बिखाया जो एंबुलेंस जो सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। इन्हों ने परिवार के भी लोग दिखाया जी, लेकिन सर पहले अपनी एक गल इन्हों के परिवार के बंदे ने ही दिखाया ऑक्सीजन जी सिलेंडर से कोई ऑक्सीजन सी, इन्हों का ही दोष है कि जो सा बच्चा है वो ऑक्सीजन दे अभी परिवार के फादर ये बच्चे के फादर ही हैं, वही ऑक्सीजन थी विच कट सी बच्चा, मतलब असी पूरी कोशिश की थे लेके भी आए, ठीक है नी, अगर ऑक्सीजन ना होगी फिर मैं कहना कौन तक तो चार चार दो दो तीन तीन सिलेंडर मैं अपने बच्चे के आप चेंज कर रहा थी, मेरा बच्चा कि मैंने तो लगातार बीमार सी ऑक्सीजन से सके बच्चे के सिलेंडर जो भी चेंज कर रहा मैं खुद आप कर रहा जो थोड़ी गलत फहमी हो गई थी सू, मैं उपर सी मेरे तो पिछले उन्होंने बुला के मेरे
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨੇ ਚ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਖੜੂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਪਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ